शासन पति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्मपान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर जिन्होंने हमें साधना दी, ज्ञान दिया, तप दिया, ज्ञान दिया, करुणा दी, मैत्री दी, जीवन जीने की कला सिखाई, जीवन क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, हम किसको जीवन मान रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष निरंतर उपदेश देते रहे, हजारों लोगों को बोधि का बीज दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है, उस प्रभु को अंतःकरण से नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता कर रहा है। पर महावीर के सूत्र की चर्चा करेंगे आपके सामने, 12 भावनाओं की चर्चा में 30वीं भावना की चर्चा चल रही है, संसार भावना। संसार क्या है, कभी आपने सोचा, जब से जन्म लिया अभी तक तुमने मां की गोद में पले, गर्भ में जन्म हुआ, बाहर आए, मां ने खिलाया पिलाया, दूध दिया, बड़ा किया, उंगली से चलना सिखाया, विद्यालय में भेजा, पढ़ाई की, शादी हो गई, कारोबार किया, फैक्ट्री लग गई, और आग का बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, उसको एक फैक्ट्री और लगा दी, आपने पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, समाज में ऊंचा नाम हासिल कर लिया। पर जीवन क्या है, संसार क्या है, क्या कभी आपने चिंतन मनन किया? पूछो अपने आप से, संसार में सुख नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं, जम दुखं जरा दुखं रोगा या मरनानी है, जम दुखं जरा दुखं रोगा या मरनानी है, अहो दुखो ही संसारो जत की संति जंतु। संसार में जन्म दुख है, जन्म में बड़ी पीड़ा होती है, मां के गर्भ में 9 महीने रहे उल्टे लटके, किसी को याद नहीं है उल्टे लटके, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, जो मां देती वो ले लेते थे, अनंत मां की करुणा से तुम बाहर आ गए, जन्म का दुख, मां को भी दुख और तुमको भी दुख। फिर भगवान कहते हैं बुढ़ापे का दुख, जब बुढ़ापा आता है कोई बचा नहीं पाता, कितना धन दे दो, अमेरिका बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, नए दांत लगा दो, बाल काले कर लो, घुटने बदल दो, दिल बदल दो, बुढ़ापा तो आएगा। बुढ़ापे का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग दुख, और मरण का दुख, जन्म मरण और इसके जीवन, इसमें बुढ़ापा आज ही व्याधि। ये क्यों, अहो संसार दुख है जिसमें जीव क्लेश पा रहे हैं। ये भगवान महावीर की वाणी कह रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। भगवान फिर कहते हैं, जानत जी चिंतित जी जम जरा मरण संभवम दुखम, जानत जी चिंतित जी जम जरा मरण संभवम दुखम, नहीं यह विशेष विरज्जयी स्थान दे दो, तपस्वी बहन को मास का मन कर तपस्या है, आसन बिछाओ के लिए, जानी जी चिंतित जी जम जरा मरण संभवन दुखम, नहीं यह विशेष विरज्जयी अहो सुबुद्धो कपड़गंठी। मनुष्य जानता भी, चिंतन भी करता है, और जन्म और मरण के दुख को जानता है, उसका विचार भी करता है, परंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, अहो माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। आप सब जानते हैं, चिंतन भी करते हैं, मरना है, जन्म है, बुढ़ापा है, दुख है, व्याधियां हैं,
परंतु विषयों की आसक्ति वो छूट नहीं रही। आश्चर्य है, महावीर कहते हैं आश्चर्य है, करुणा आती है भगवान महावीर को, आश्चर्य है कि हम उस विषयों की गांठ से विरक्त क्यों नहीं हो पाते। ये चिंतन करने का विषय मेरे लिए, आप सबके लिए और पूना के आने वाले लोगों सबके लिए। आप तक हमने क्या चिंतन किया, जीवन क्या है, शुद्ध जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज द यूनिवर्स इन विच ए मैन बॉर्न एंड डाइज, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स इन विच ही बॉर्न एंड डाइज, मैन डजंट नो, मनुष्य नहीं जानता कि जीवन क्या है, संसार क्या है, संसार से मेरा संबंध क्या है, मैं जन्म लेता हूं मरता हूं, मनुष्य नहीं जानता। जिस दिन जान लिया उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। हमें यह नहीं पता कि मैं कौन हूं। हम आपसे पूछे आप कौन हैं, तुम्हारा है बोलो, किसका परिचय है। हमने सबको ये परिचय दे, इस परिचय की जिंदगी पर झगड़ कर दे, कोई जरा सा कुछ कह दे हमें दुख हो रहा है। ये परिचय तुम्हारे शरीर का है, तुम्हारा नहीं, इसको तुम अलग कर दो, शरीर को अलग कर दो, बाकी क्या बचेगा। और मुख्य क्या है ये जानो और समझो, शरीर में तुम हो पर तुम जुदा हो, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये महावीर का सिद्धांत, ये महावीर की साधना है, ये महावीर का भेद विज्ञान है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने इस साधना को गहराई से अनुभव करके दिया, शरीर और आत्मा क्या अस्तित्व है, शरीर का आत्मा के बिना पूछो, आत्मा के बिना आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते, तुम भोजन खा सकते, तुम चल सकते, तुम बैठ सकते हो, तुम विचार कर सकते हो, तुम व्यापार कर सकते हो, तुम अपना नाम भी ले सकते हो। आत्मा निकल गई, शरीर क्या होगा, फिर तुम क्या हो, जो शरीर के भीतर अंग अंग कान कान रोए रोए खून के कतरे कतरे में जाओ, उसको हमें याद ही नहीं करते, उसको हमें पर समय फुर्सत ही नहीं जाते, और ऊपर से अपने आप को पॉलिश बना के रखते हैं। मैं आपको दोष नहीं देता, ये हमारा भी कसूर है कि हमने आपको दिया ही नहीं और हमें मिला नहीं था, हम आपको देंगे क्या। सच्ची बात करता, जो मिलेगा वही देंगे, जब मिला हम कहते ले लो, आप कहते फुर्सत ही नहीं। ये समझो, बार बार समझो, आत्मा की साक्षी के बिना हमारा कोई मूल्य ही नहीं। मूल्य है आत्मा का। भगवान कहते हैं शरीर में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, और सुख कहां है, कहां है, तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है, अनंत है, इसकी सीमा ही नहीं है। अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल ज्ञान तुम्हारे भीतर है, महावीर तुम्हारे भीतर है, अरिहंत तुम्हारे भीतर है, सिद्ध तुम्हारे भीतर है, पर हम कहां ढूंढ रहे, कहां ढूंढ रहे, बाहर में, संयोग में, घर में, पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, बंगले में, बाहर घूमने में, इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। और सुख मिला बोलो, नहीं मिला ना, बस यही विचार करो कि सुख है कहां और हम कहां ढूंढ रहे हैं।
और ये मानव का जीवन एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता। बड़ा कठिन है, अनंत पुण्य है तुम्हारा, अनंत काल में अनंत योनियों में अनंत बार तुम और मैं भटके, इस जीव ने ऐसी कोई जगह नहीं, सुई की नोक जितनी जगह भी, जहां हमने और तुमने हमारा जन्म और मरण नहीं हुआ और जहां तुम्हारा और मेरा सबका एक दूसरे से संबंध नहीं हुआ। तुम्हारी मां अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बन जाती, तुम्हारी पत्नी अगले जन्म में तुम्हारी तुम्हारा बेटा बन जाता, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पिता बन जाता है, तुम पिता नौकर बन जाते हो। ये सारे संबंध मेरे और तुम्हारे बहुत बार किए, ये पहली बार नहीं हुआ। महावीर की वाणी को समझ लो एक बार तो जीवन का सत्य प्रकट हो जाएगा। और ये मेरे बोलने से नहीं होगा, तुम स्वयं चिंतन करोगे, स्वयं सोचोगे, स्वयं गहराई से, भगवान स्वयं फरमा रहे हैं, मनुष्य जानता भी है, चिंतन भी करता है, विचार भी करता है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, व्याधि है, व्याधि है, परंतु माया की गांठ से रक्त नहीं हो पाता। माया की गांठ कौन सी? माया, माया कौन सी? ये माया कहो, अज्ञान कहो, मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, ब्रह्म कहो, कि मैं तो जिंदा हूं वो चला गया, किसी की अर्थी निकलती है वो चला गया, मैं तो अभी जिंदा हूं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, घर में लोग जा रहे वो जा रहे, मैं तो जिंदा हूं। कितने वर्ष जिंदा रहोगे भाई? 10 वर्ष 20 वर्ष, फिर क्या होगा? इतना धन क्यों इकट्ठा किए जा रहे हो? क्या जरूरत है? पर किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, सब लोग बॉम्बे जा रहे हैं, मैं भी बॉम्बे जा रहा हूं, सब अमेरिका जा रहे हैं, मैं भी अमेरिका जा रहा हूं, सब कोठी बना रहे हैं, मैं भी कोठी बना रहा हूं, सबको कुर्सी चाहिए, मुझे भी कुर्सी चाहिए, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये माया की गांठ। और यदि सच में जान लो, एक बार भीतर से अनुभव हो जाए कि जीवन है क्या, ये श्वास आ रही है आत्मा की साक्षी श्वास, ये आत्मा निकल जाए, श्वास ले नहीं सकते तुम, ले सकते हो श्वास? तुम्हारा शरीर सुंदर लगता है, सुंदरता है क्या? यहां 9 द्वारों में कौन सा चीज सुंदर है? यहां से आंखों से पानी बहता है, नासिका से, नाक से, 9 द्वारों से क्या है? हम स्वयं ही भोजन करते हैं और भोजन बाहर आ जाए हम देख नहीं पाते, हम करते क्या? फिर भी शरीर से मोह किए जा रहे हैं। शरीर को भोजन दो, भगवान कहते हैं जरूर दो, भोजन चाहिए, शरीर को भोजन जरूरत है, पर भोजन देने के बाद शरीर से उसका रस निकाल लो, उसका उपयोग कर लो, कि शरीर को भोजन दिया पर मेरे भीतर जो आत्मा है उस पर जो कर्म लगे हैं ये कर्म कैसे तोड़ूं, मुझे सत्य का बोध, सत्य क्या है पहले यही नहीं, पर सत्य क्या, मैं हूं कौन? वीतराग शासन के 3 ही बातें, 3 ही बातें, 32 शास्त्र पढ़ लो। पहला प्रश्न मैं कौन हूं, आचारंग सूत्र का पहला ही प्रश्न मैं कौन? तुम कहोगे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं धनवान हूं, मैं जैन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं पूना का रहने वाला हूं, मैं नगर का रहने वाला हूं, मैं ये हूं। ये शरीर का परिचय तुम्हारा परिचय नहीं है, ये तो बदलेगा, निश्चित बदलेगा। जन्म होता है, कोई स्त्री बन जाता है, कोई पुरुष बन जाता है, कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई पुत्र बन जाता है। तो चादर है, तुमने चादर ओढ़ी, मैंने चादर ओढ़ी, तुमने कपड़े पहन ली, मैंने चादर ओढ़ ली, ये तो चादर है, ये तुम नहीं हो, तुम कौन हो? इसका अनुभव करो। वीतराग दर्शन यही कहता है, बार 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 भगवान की वाणी चोट करती है, तुम अपने को जानो कि तुम कौन हो, सबसे बड़ा प्रश्न है। रमन महर्षि की सारी साधना की खोज एक ही बात पर, जान लो कि तुम कौन हो। पूरी जिंदगी लगा करके तुम जान लिया कि मैं कौन हूं,
तुम्हें समझ में आ गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं संबंध नहीं हूं, मैं सिर्फ 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 शुद्ध आत्मा हूं। अब आत्मा को कुछ जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। आत्मा की आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिब्बा नहीं, रस नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा का माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं। बुद्धि से तुम जान नहीं सकते, मन से तुम जान नहीं सकते, पर आत्मा के बिना मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, वो आत्मा की साक्षी से लेती है। आत्मा ना तो बुद्धि मन कुछ काम नहीं आता। तुम्हारे सारे संबंध क्षण के संबंध, क्या संबंध है तुम्हारे जीवन का? एक श्वास की डोरी अटकी है और क्या है? सारा जीवन जितना भी तुम्हारा आज है, ऑल दी पैराफर्नल दी वर्ल्ड, वट एवर यू अटेंड इन योर लाइफ, अर्निंग मनी, गेटिंग पोजिशन, पावर, एवरीथिंग, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, वट इज द कास्ट ऑफ इट, वट इज द वैल्यू ऑफ इट, वट इज द प्राइस ऑफ इट, क्या है? कभी सोचा आपने? इतना धन कमाने के बाद क्या होगा? बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होगा? प्रतिष्ठा मिलने के बाद? और प्रतिष्ठा किसको मिलती है? आत्मा को प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, ना धन, ना पद, ना यश, ना प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, अनंत शक्तिशाली है। इसको जानोगे तो, जानोगे कैसे? ये महावीर की वाणी को आत्मसात, तुमने जान लिया, तुमने विश्वास भी कर लिया, तुमने श्रद्धा भी कर ली, पर तुम चलोगे नहीं तो कैसे होगा? तुम्हें चलना पड़ेगा, रस्ते पर जाना होगा। क्या तुम नहीं सोचते कि जिंदगी भर जीते रहेंगे? क्या करोगे? 10 साल और भी जी लिए तो क्या हो जाएगा? विकार बहाना, तालम तोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो, चिल्लाओ, रो, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर शमशान में, मरघट में रास रचाना ही होगा। ये शरीर की अंतिम स्थिति क्या है? शमशान। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पर हम क्या करते हैं? बाइफर्केशन कर देते हैं। वो गया, मैं तो नहीं गया। ये माया है, ये मोह है, ये अज्ञान है। इसको समझो और जानो। तो सूत्र की जो मैं बात कह रहा था, जन्म, मरण और जीवन, तीन बातें। जन्म, मरण और जीवन में एक अनुसूत धागा है, वो धागा दुख का है। महावीर कहते हैं, जन्म किसका होता है, मरण किसको होता है, दुख किसको होता है? शरीर को होता है। इसमें धागा है दुख का। जन्म के समय सबको दुख होता है, मरते समय सबको दुख होता है, और जीवन में भी दुख होता है। जन्म का स्वाद और मरने का स्वाद एक जैसा है। महावीर का भी जन्म हुआ और महावीर का निर्वाण हुआ, महावीर की मृत्यु नहीं, महावीर का निर्वाण हुआ, महोत्सव हुआ और सिद्धालय में चले गए। क्या तुमने सोचा, महावीर का निर्वाण हो गया, मेरा निर्वाण कैसे होगा? सोचा कभी? बोलो क्या सोचा? ये भीतर से जागृति आई। शास्त्र कर कहते हैं, 60 साल की उम्र हो जाए तो घर से पीठ कर लेनी चाहिए और मुंह कर लेना चाहिए सन्यास की तरफ। आओ ना, मुंह कर लो, सलाह दे दो जरूरी है तो, बाकी सलाह देने की भी जरूरत नहीं। बच्चे समझदार हैं तो अपने आप कमा लेंगे, और नहीं तो अपने आप जो है कम, तुमने क्या लेना देना बच्चों से? और बच्चे तुम्हारे हैं? पूछो अपने आप से, इस बच्चे के लिए तुमने सब कुछ लगाया, दांव पर लगाया, डेटा तुम्हारा है? लोग कहते नहीं। तो किसके लिए जी रहे हो? और देह मिली, इस ये देह महावीर को मिली थी, इस देह से महावीर ने अपने आप को सिद्ध गति को प्राप्त कर ली। और तुम भी कर सकते हो, महावीर ने कहा, अप्पा सुपरमप्पा आत्मा ही परमात्मा। तुम भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूं। अब कैसे करना है? भगवान पहली बात कहते कि देह की सुकुमारता को तोड़ो। देह जो सुकुमार बना रखी है, इस सुकुमारता को तोड़ो।
देह को अतापना दो, देह को गुजारो परिचय से, उपसर्ग से, परंतु बीच का जो है जन्म और मरण के बीच में जीवन की ठग, इस जीवन को तुम बदल सकते हो। मरना तुम्हारे हाथ में नहीं, जन्मना तुम्हारे हाथ में नहीं, संयोग है जो आ गया आ गया। ना तुमने अपने पिता को चुना, ना माँ को चुना, शायद पत्नी को चुना होगा, उसके भी खटपट रहती है। जिसका चुनाव तुमने किया वो भी खटपट रहती है, वो कहाँ बनती है तुम्हारे साथ। तो जीवन तुम्हारा है, ये जीवन की धागा, जीवन की रेखा ये तुम्हारे हाथ में है। हर श्वास का उपयोग कर सकते हो, कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है, ये चिंतन तुम्हारे हाथ में। चिंतन करो कि संसार है क्या, शरीर क्या है। क्षरतीति शरीरम, जो प्रतिपल प्रतीक्षण बदल रहा है, शरीर प्रतिपल प्रतीक्षण बदल रहा है। बुढ़ापा एकदम नहीं आ जाता, बाल एकदम सफेद नहीं होते। तुम नाखून काट दे हो, 15 दिन के बाद काटते हो, जैसे नाखून काटते उसी दिन बढ़ना शुरू हो गया, उसी क्षण पता नहीं चलता पर बढ़ना शुरू हो गया। एकदम घुटने में दर्द नहीं होता, एकदम दांत नहीं टूटते। पहले वार्निंग मिल जाती है कुदरत की तरफ से, यमदूत कहते मैंने वार्निंग दे दी। एक वकील साहब ने, मैंने पहले भी सुनाया था, यमदूत आ गए, वकील साहब तो वकील साहब, कहते कैसे आ गए, आपने हमें कोई संदेशा नहीं भेजा। पहले संदेशा भेजना था, यमदूत ने कहा भाई 4 संदेशे भेजे तुम्हें समझा नहीं। पहला संदेशा तो ये तुम्हारे बाल सफेद कर दिए, दूसरा तुम्हारे दांत टूट गए, फिर तुम्हारी कमर झुक गई, घुटने दर्द रहने लग गया, पांचवा तुम्हारा चेहरा झुर्रियां बन गई। मैंने 5 वारंट दिए, तुमको अभी समझ नहीं आई अब तो चलना होगा, हम पास फोन कर देते। तो शरीर क्या, प्रतिपल प्रतीक्षण क्षीण होता जा रहा है, स्थिर नहीं है शरीर। आत्मा को खोज भी नहीं आती, आत्मा चाहे नरक में चली जाए, चाहे पशु बन जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे देव बन जाए, चाहे सिद्ध बन जाए, आत्मा वैसे ही रहती। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ करो, ये सबसे पुरुषार्थ हमने यही करना। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, हे निर्मल ज्योति वाले पुरुष तू पराक्रम कर। महावीर कहते हैं हम पराक्रम किसने करते हैं, मैं आपको दोष नहीं देता, हम भी आपके भागीदार हैं, अरे हमें भी चाहना है मेरा नाम हो जाए, यश हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, मेरी किताबें छप जाएं, मेरा अभिनंदन ग्रंथ निकल जाए। ये सब संसार है, हम भी फंसे हुए हैं आपकी तरह है। आप तो फिर भी अच्छे हो, धन कमाते हो, सेवा करते हो, साधु संतों की सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो, हम तो कुछ करते हैं नहीं, भर के पात्र लाते हैं, खा लेते हैं, थोथा इंकार करते हैं हम, फिर आप हमारे नाम के ग्रंथ छिपाते हो, क्या जरूरत है ग्रंथ छिपाने की। मैं कहता आत्मकथा लिखो ना गांधी की तरह, और जो ग्रंथ छपते हैं कोई लिखता है तो प्रशंसा के पुल बांध दिए जाते, वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था। महात्मा गांधी का अभिनंदन ग्रंथ नहीं निकला, आत्मकथा लिखी, स्पष्ट कह दिया, मैंने झूठ भी बोला, मैंने चोरी भी की, मैंने मांस भी खाया, मेरे भीतर वासना भी आई, पर फिर भी मैं महात्मा कहा है। गृहस्थ थे, पत्नी थी, बेटा था, फिर भी महात्मा, एक सत्य पर जीवन था। आज हमारी भी सत्य का लोप हो गया, सत्य को भगवान ने कहा सत्यं खु भगवान, सत्य ही भगवान है, वो सत्य कहां है, सत्य गौण हो गया, परंपराएं प्रमुख हो गई, लीपा थोपी से कुछ होने वाला नहीं, ना मैं बदलूंगा ना आप बदलोगे। जीवन के सत्य को पहचानो, जीवन का सत्य क्या है, और कोई किसी पर अंकुश रख नहीं सकता, कोई किसी को ठीक कर नहीं सकता। यदि आप स्वयं ठीक होना नहीं चाहो तो इसलिए जीवन का सत्य कड़वा है। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, मुझे मीठा मीठा बोलना ज्यादा आता नहीं, मैं तो जो है बोल देता हूं। आप नाराज हो जाओगे तो क्या करोगे, बेनती नहीं करोगे, घर में नहीं बुलाओगे, रोटी नहीं दोगे, चमासा नहीं कराओगे, और क्या,
क्या फर्क पड़ता है हमको, हमें इसकी कोई चिंता ही नहीं। एक चिंता तुम अपनी करो, बाकी सब छोड़ो। समाज ऐसे ही रहेगा, समाज को नहीं बदल सकते, तुम अपने को बदलो, मैं अपने को बदलूंगा। एक गांधी ने पूरे देश को आजाद करवाया, हजारों गांधी साथ लग गए। गांधी के पास सत्य था, गांधी के पास अहिंसा थी, गांधी के पास अनेकांतवाद था, गांधी के पास अपरिग्रह था। आज हर नोट पर गांधी की छाप है, गांधी नोट को छुआ तक नहीं, गांधी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, और हर नोट पे किसकी छाप है? गांधी के छाप के बिना तुम्हारी वैल्यू क्या है? नोट की काट का टुकड़ा। तो जीवन में सत्य क्या है, जीवन के आधार क्या है? जन्म और मौत के बीच में छोटा सा जीवन। महावीर को भी जीवन मिला, आपको भी मिला, मुझे भी मिला। ये श्वांसें व्यर्थ ना चली जाए, इस श्वासों का उपयोग कर लें। हर श्वास का भगवान कहते हैं इसका उपयोग करना। कैसे उपयोग करना? बड़ा प्रकार का तप है, अनशन से लेकर के कौशल और ध्यान तक। और हमारा सारा प्रयोजन कहां रह गया? धन्य है वो लोग जो मांस खमन करते हैं, यहां भी मांस खमन चल रहे हैं। पूछो उनसे जब मांस खमन करते हैं कितना शरीर को कष्ट होता है, पर कितनी समता से सहन कर लेते हैं, और तीन टाइम भोजन करने वाले क्या सुखी हैं? पूछो उनसे, भोजन करने से सुख नहीं है? सुख तो भीतर की तृप्ति से, आनंद से, शांति से, प्रेम से। तुम तप करो, तुम मनोदरी करो, तुम रस का त्याग कर दो, तुम काया कलेश करो, तुम अतापना लो, तुम परिग्रह त्यागो, तुम आसक्ति जो तुम्हारी है। चिरावक का तीसरा मनोरथ है, पहला मनोरथ क्या है चिरावक का, बोलो? चिरावक का पहला ही मनोरथ है कि वो दिन धन होगा जिस दिन मैं अपना जो परिग्रह है, जो संसार है, इसको छोटा कर दूंगा। बहुत धन कमा लिया, बहुत बिल्डिंग बना ली, बहुत कुछ कर लिया, अब छोटा कर दूंगा। दूसरा मनोरथ कि मैं कब घर बार छोड़ करके एकांतवास करके परवज्या ग्रहण करूंगा, ये मनोरथ है तुम्हारा। और तीसरा कि मुझे अंतिम समाधि मरण आ जाए। तीन मनोरथ, और तीन हमारे मनोरथ कि पहला, वो दिन धन्य होगा जब मैं अकेला विचरण करूंगा, ये साधु का मनोरथ है। साधना अकेले में होती है, भीड़ में साधना नहीं होती। महावीर के साधु 500-500 अकेले विचरण करते थे, ये समय बदल गया। साधु का मनोरथ कि पहला अकेला कब विचरण करूंगा, अकेला ऐसा नहीं स्वच्छंद साथ विचरण करना, पूर्ण ज्ञान हो, शास्त्रों का समझ हो, साधना भीतर आई हो, विवेक और प्रज्ञा से चले। दूसरा मैं प्रतिमा धारण करूंगा, तीसरा मैं संलेखना लूंगा। ये तीन मनोरथ आपके और मेरे हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो आप और मैं अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, उपाय भी है, जीवन में सुख भी है, अनंत सुख भीतर है। देखिए, दूध में मक्खन भी है, छाछ भी है, मलाई भी है, सब कुछ है। बिलोने से पता चलता है। मंथन करें दिन रात, जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के बाण बिन क्यों सुख नहीं संसार में। जिस प्रकार जल का जितना मंथन कर लो, जल को भिलो, घी नहीं निकल सकता। रेत को जितना भिलो, और रेत में क्या तेल नहीं निकल सकता। ऐसे ही यदि आपका भाग्य नहीं है तो कितना व्यापार कर लो, संपत्ति नहीं आ सकती। तुम्हारे पुण्य से, पहले जन्म में तुमने जो पुण्य किया उससे संपत्ति आती है, तुमने अपनी बुद्धि से नहीं कमाया। इस प्रकार निज आत्मा को जाने बिना संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मैं और आप आत्मा को जाने, आत्मा को समझें, फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। जैसे ठीक लगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। एक शारणी है धाराम की और शारणी नहीं को, एक शारणी है धाराम की और शरण नहीं खोए, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्यायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तव देवावितंग, नमंग शांति जस धम्म में श्या मनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख हरण जगत्ता